मेरा माल मत लूटो। ये माल तेरा नहीं है जागीरदार, ये मेरा है। राधे, तुम्हारी गोविंद तो तुम्हारे पास है, पर मेरी गोविंद कहाँ है? न जाने मेरा उनसे कब मिलन होगा। कौन हो तुम? डाकू रघु। डाकू रघु? डर मत, मैं तुझे लूटने नहीं आया। मैं क्या चाहते? मैं घायल हो गया, थोड़ा सा पानी कपड़ा और हल्दी ला। रख दे यार, बैरो खून साफ कर, पट्टी लगा। ला, मैं ही साफ कर देती हूँ। गांव से इतनी दूर तो अकेली रहती है? नहीं, मेरे सास ससुर हैं। और तेरा मर्द? तूने मेरी बहुत सेवा की, ये ले। मैं सेवा का बदला नहीं लेती, फिर ये हार पता नहीं किस अबला के गले से छीना गया है। बेवकूफ औरत, मेरा हुक्म टालने की हिम्मत आज तक किसने नहीं की, जानती है इसका अंजाम? उसे किसी की परवाह नहीं जो सच्चाई की राह पर चलता है, जो भगवान में विश्वास रखता है। भगवान? कैसा भगवान? मैं भगवान को नहीं जानता। डाकू रघु सिर्फ लूट मार करना जानता, लूट मार, हत्या, खून। रघु, खूनी हत्यारे, दुनिया को लूटने के बाद भी तेरी आत्मा को शांति नहीं मिली जो अपने बाप का घर लूटने आया? तू मेरा बाप है? अरे मेरा बाप तो डाकू नाहर सिंह था जो मर चुका है। नहीं बेटा नहीं, नाहर सिंह तुम्हारा बाप नहीं था। सुमेरपुर गाँव की लूट में मरते समय उसने हमसे कहा था। मुझ पर यकीन करो रामेश्वर, रघु रघु तुम्हारा ही बेटा है। मेरा बेटा? हाँ तुम्हारा बेटा। वर्षों पहले की बात है, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का था और उसकी शादी हो रही थी, दौलत के लालच में मैं उसे उठा कर ले गया और उसकी एवज में मैंने तुमसे धन मांगा, मगर तुमने कुछ नहीं दिया। उसका अंजाम ये हुआ कि तुम्हारा लड़का मेरी राह पर चलकर एक भयानक डाकू बन गया। डाकू? हाँ, आज का प्रसिद्ध डाकू तुम्हारा बेटा रघु है। रघु मेरा बेटा? रघु मेरा बेटा है। हाँ बेटा, विश्वास कर, यही तेरे पिता है और मैं तेरी माँ हूँ। ये तेरी बहू है जिसे बचपन में तेरी शादी हुई थी। शादी? बहू, माँ, ये? हाँ बेटा, आज कितने वर्षों बाद मैंने अपने लाल को देखा। बेटा, जो होना था हो चुका, तू अपनी पिछली जिंदगी भूल जा और आज से डाका डालना, लूट मार करना सब छोड़ दे। कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। लूट मार करना, डाका डालना, ये मेरी जिंदगी है। चलो हट जा, आज तो पक्का नहीं जा। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? हेलो बहू, आज तक इस पापी ने बहुतों की जान ली, आज मैं इसकी जान लूंगा, इसका सर्प चलो। मेरे बुढ़े बाहर से
पिताजी, मैं उनके पास जा रही हूँ। बेटी, तू उसके पीछे बर्बाद हो जाएगी। नहीं माँ, बर्बाद तो मैं उनके वियोग में हो रही थी। उनके चरणों में रहकर मैं आबाद हो जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं उन्हें सीधी राह पर ला सकूं, उनके अंधेरे जीवन को मैं उजाला कर सकूं। जा बेटी, भगवान तुझे शक्ति दे। भगवान इसकी रक्षा कर। कौन है ये औरत? सरदार, ये कोई जादूगर नहीं। नहीं, जंगल में क्या कर रही थी? बोल। स्वामी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। स्वामी, तू यहाँ क्यों चली आई? क्या चाहती है? आपके चरणों की छाया में रहना, आपकी सेवा करना। तू जानती है मैं डाकू हूँ? जानती हूँ, लेकिन दुनिया वालों के लिए आप डाकू हैं, मेरे तो सर्वस्व है। स्वामी, बचपन से आज तक आपसे दूर रही। Thank you.
देखा। हाथ में कंगन और गले में हीरो का देखा। अब भी लाता हूं। कहने चुराने किसमें हिम्मत है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। देखना कोई देख तो नहीं रहा है। और तो कोई नहीं, बस ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला कौन? कहाँ है वो? तेरे सामने। मेरे सामने? तेरे मेरे सामने तो गोपाल है। गोपाल तू बातें बनाने बहुत होशियार है। अब बोल अब क्या रह गया? क्यों वो मनी वाला मुकुट, ये उसका कंगन, वो चलो उसे भी लेके आते हैं। हाँ चल। पर मेरा हिस्सा? अरे जरूर मिलेगा। मैं डाकू हूँ डाकू, पर बेईमान नहीं हूँ। अरे होगा तब भी क्या, अब तो तू मेरे हाथ में फंस गया। यूँ चलते ईमानदार बना दूंगा, समझे? चल। हरे हरे कृष्णा गोपाल कृष्णा हरे हरे। तुम यही करो, मैं अभी आया। हरे हरे कृष्णा बालक, तू किसका बेटा है? वासुदेव देवकी का। है, वासुदेव देवकी का? है, तेरा नाम क्या है? गोपाल गिरदार बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया। अरे मेरे तो अनुक। तो तू अपने आप को भगवान समझता है? समझता क्या, भगवान तो हुई। अरे शास्त्री जी, इस भगवान के बच्चे को जरा प्रसाद तो खिला दो। अभी खिलाता हूँ। अरे महाराज, का थाल कहीं चला गया? अरे
चला था
मुझे भी पता दिया। चल रुक, खड़ा हो, नाटक शुरू करें। अरे बता बता मुकुट कहाँ है? बता। मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। मैंने नहीं चुराया। अरे कहाँ छूट दे, कहाँ छूट दे, मेरा कहाँ छूट दे? बताता हूँ। मेरे पास है मुकुट, मेरे पास है। सुना तुमने? हाँ। सुना था? हाँ। बताता हूँ। दिल तो नहीं दुखेगा? दिल क्यों दुखेगा जब मैंने लूटमारी तेरे लिए की है? मेरे लिए? हाँ। तेरे लिए नहीं? नहीं। तो मैं उठा लूँ? उठा ले। गोपाल, गोपाल, तू तो डाकू नहीं, बहुत बड़ा दानी भी है। इतना सारा माल, किसान से कमाल, लाखों करोड़ का माल, मैं लाखपति हो गया हूँ, मैं करोड़पति हो गया हूँ। ठहरो, देखो एक बात याद रखना, आज जो मैंने तेरी मदद की वो किसी से मत कहना। कह दूंगा तो इसमें तेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, धन के लालच में लोग बिगड़ जाएंगे। वो कैसे? जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि गोपाल चोर डाकुओं की सहायता करता है। साधारण आदमी तो दूर है, साधु संत महात्मा भी अपनी सच्चाई धर्म कर्म छोड़कर डाकुओं का चोला पहने गोपाल से सहायता मांगने चले आएंगे। इससे क्या होगा? दौलत का भूखा हर आदमी तुम्हारी तरह डाकू बन जाएगा और संसार के कोने कोने में तुम जैसे धन के भूखे भेड़िए गिद्ध गिद्ध दिखाई देंगे। तो क्या डाकू और गिद्ध में कोई फर्क नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं। गिद्ध का खाना मुर्दा और डाकुओं का खाना धन दौलत। जिस तरह गिद्ध की आंखें मुर्दों को ढूंढती रहती है, उसी तरह तुम लोग धन दौलत पाने के लिए लूट मार करते हो, खून बहाते हो और मारे मारे फिरते रहते हो। गोपाल, तुम ठीक कहते हो, लेकिन भूखे का पेट तो भर जाता है, लेकिन जिसे दौलत की भूख है उसका पेट कभी नहीं भरता। उसे सिर्फ एक ही धुन सवार है, दौलत दौलत दौलत। तुम लोग अधर्म को समझ सकते हो और नहीं कभी तुम उन्हें पा सकते हो। गोपाल, गोपाल तुम कहाँ चले गए? गोपाल, गोपाल, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कौन? डाकू रघु? मोती, माणिक जड़ित कुंडल, हार, सब वही आभूषण। क्या तुमने भगवान श्री कृष्ण को लूट लिया? हाँ, लूट लिया। हा? लेकिन मैंने नहीं, एक बालक ने। बालक ने? हाँ। कहाँ से लूटा इसे? वृंदावन के मंदिरों से। किंतु लूटे हुए सारे आभूषण उसने मुझे दे दिया और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम ले लो पुजारी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये धन तुम मुझे दे रहे हो? धन के लिए लोगों की हत्या करने वाले तुम एक डाकू हत्यारे? हाँ, मैं कल तक डाकू था, लेकिन आज
आज ना मैं डाकू हूँ ना मेरे दिल में धन की लालसा है। हरे कृष्ण रघु, तुम्हें इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? जब उस बालक ने लूटा हुआ सारा माल मेरे सामने फेंकते हुए मुझे कहा, ले ओ धन के भूखे भेड़िए, तुम लोग इंसान को मारकर उसकी दौलत से अपने पेट पालते हो, तुम पाप अधर्म और दुराचार के कीड़े हो, तब मेरे सारे पाप मेरे सामने खड़े हो गए, मैं बावरा हो गया हूँ पुजारी, मैं बावरा हो गया हूँ, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कोई राह दिखाओ पुजारी, मुझे कोई राह दिखाओ। शांत हो जाओ रघु, किंतु ये तो बताओ, तुम्हारे साथ चोर बनकर तुम्हारे पाप में तुम्हारा साथ देने वाला वो एक ग्वाला था। गोपाल एक ही है पुजारी, एक ही है। रघु तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैं जीवन भर पूजा पाठ करता रहा, प्रभु की एक झलक पाने के लिए व्याकुल रहा, किंतु कभी भी दर्शन नहीं हुए, और तुमने अनजाने में सब कुछ पा लिया। रघु तुम्हारे पाप मिट गए, रघु भगवान के दिए हुए जेवर तुम्हारे ही, ये लो रघु, अब तुम डाकू नहीं, तुम एक धर्मात्मा हो, एक पुण्यात्मा हो। पुण्यात्मा गोपाल, मुझे क्षमा कर दो, गोपाल मुझे क्षमा कर दो, गोपाल मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, गोपाल मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु मेरे गिरधर गोपाल, मुझे एक बार फिर से दर्शन दे दो गोपाल। रखो तुम्हें एक बार तो प्रभु के दर्शन हो चुके हैं। उस समय तो मैं प्रभु को जानता भी नहीं था, मैं उनसे अनजान था। पुजारी जी, पुजारी जी, क्या आप प्रभु के दर्शन नहीं होंगे? प्रभु के दर्शन बार बार नहीं। क्यों नहीं यार, पापी खूनी था तब तो मुझे दर्शन हुए, और अब तो मैं बदल गया हूँ। पुजारी जी आप ही तो कहते हैं मैं धर्मात्मा पुण्यात्मा हो गया हूँ, तो अब मुझे क्यों नहीं दर्शन होंगे? नहीं, मुझे जरूर दर्शन होंगे। अब
मैं वही जा रहा हूँ जहाँ पहली बार मैंने गोपाल को देखा था। वो मुझे वहाँ जरूर मिलेंगे, वो मुझे वहाँ जरूर मिलेंगे। गोपाल तू है कहाँ गोपाल, तू है कहाँ गोपाल, सत्य की झलक दिखाते मुझको कहाँ छुपा न मिला। जग्गा लुक्का, तुमने तुमने मेरे गोपाल को देखा? कौन गोपाल? गोपाल छोटा सा बालक। नहीं नहीं बालक नहीं, बालक नहीं, भगवान भगवान भगवान। हाँ मैं भगवान को लूटने गया था, पर मैंने क्या लूटा, उन्होंने मुझे ही लूट लिया। वो मेरे दिल में समा गए, मेरे रोम रोम में समा गए। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मुझे मेरे गोपाल चाहिए, मेरे गोपाल। गोपाल कहाँ हो तुम? गोपाल गोपाल कहाँ हो? पाप कौन से गोपाल को ढूंढ रहे हो भाई? अपने गोपाल को, भगवान को। बताओ बताओ साधु महाराज कहाँ है वो? वो तो हर जगह है। हर जगह? हाँ हर जगह, संसार के कण कण में, पर्वत वृक्ष लता देव मानव पशु पक्षी सब में समाया है। तुम्हारे हृदय में भी? क्या मेरे हृदय में भी? हाँ मेरे हृदय में भी। हाँ हाँ तुम्हारे हृदय में भी। मेरे हृदय में भी? मेरे हृदय में बसने वाले प्रभु, यहाँ क्यों छुपे हो, यहाँ क्यों छुपे हो? बाहर आ जा, मेरे हृदय से बाहर निकल कर मुझे दर्शन दे दो प्रभु, मुझे दर्शन दे दो। बाहर आ जा प्रभु, मुझे दर्शन दे दो मेरे प्रभु, मेरे हृदय से बाहर आकर मुझे दर्शन दे दो प्रभु। शांत हो जाओ मेरे भाई, इस तरह प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। नहीं होंगे तो कैसे होंगे साधु महाराज? बताओ। तुम्हें प्रभु को ढूंढना होगा। ढूंढना होगा कहाँ? भारत के पावन धामों में, पंडरपुर, जगन्नाथपुरी, मथुरा, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा, द्वारिका। तो क्या वहाँ जाने से प्रभु मुझे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? मन में सच्ची लगन लेकर आंधी और तूफान को पार करते हुए भक्ति के मार्ग पर बढ़े चलो, एक दिन प्रभु तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अवश्य मिलेंगे? हाँ हाँ अवश्य मिलेंगे। अपने मन के तारों पर, फोटो पर एक ही शब्द, एक ही नाद, एक ही स्वर, एक ही नाम गूंजता रहे, हरे हरे कृष्ण हरे गोपाल, गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण। संसार में भक्ति एक और बढ़ गया है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, होगा क्या, यही होगा कि भक्तों की संख्या इस तरह बढ़ती रही तो एक दिन प्रभु को बैकुंठ छोड़कर धरती पर निवास करना पड़ेगा, और फिर आप समझ गए ये मेरे लिए ही अशुभ है। महादेवी आप भी कहां अशुभ अशुभ के चक्कर में पड़ गई? चक्कर में नहीं, नारायण जी ने समय पर आके मेरी आंखें खोल दी। सुना आपने? नारायण नारायण। मुनिवर कौन है वो भक्त? वो भक्त प्रभु बता दू? हाँ हाँ बतलाइए बतलाइए। नारायण नारायण, वही डाकू भक्त जिसने प्रभु को लूट लिया था। ओ, तो इस समय वो कहाँ है? योगी राज के कहने से वे तीर्थों पे चले गए भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। हाँ बहन,
गोपाल उनके प्राण बन गए हैं, उनके दर्शन ना हुए तो वे वापस नहीं आएंगे। और ये दर्शन देने चले भी जाएंगे, इन्हें अपने मान सम्मान की क्या चिंता। कभी चेता चमार का चमड़ा बेचने चले गए तो कभी सको भाई की चक्की पीसने, कभी धन्ना जाट के खेत में हल चलाने तो कभी नरसई आके मुंडी चुकाने ना, हाँ, ना, कभी तुकाराम के चक्कर में तो कभी सूरदास के भजन में। बस जरा किसी भक्त ने नारायण नारायण कही बिगड़ गए नारायण। भगवती नारायण नारायण तो मैं भी कहता हूँ, इन्हें बिगाड़ने की जड़ तुम ही हो। लो गेहूँ के साथ घुन भी पिस गया, परंतु मातेश्वरी रघु का क्या होगा। होगा क्या, मैं उसका पीछा करूंगी, देखती हूँ उसे प्रभु के दर्शन कैसे होते हैं। उन्हें प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे, यदि उनके मन में इतना विश्वास है तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें प्रभु दर्शन से नहीं रोक सकती। स्वामी मेरी समस्त भक्ति तपस्या पूर्ण सदा आपकी रक्षा करे, आपका विश्वास अटल रहे, आपको प्रभु दर्शन होगा, आपका जीवन धन्य हो जाए। कैसी है ये अजब कहानी डाकू और भगवान की, पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की कहानी, डाकू और भगवान की, डाकू और भगवान की। हरी रटता पहुँचाओ जहाँ नगर समतुरा मन बावन, मन मोहन ने रास रचा जहाँ बहती थी जमुना पावन। कहनी मूरत कहाँ है मेरो शाम, कुछ तो बोलो भेद तो खोलो, दर्शन दो घन श्याम, दर्शन दो घन श्याम, दर्शन मेरे गोपाल गोपाल गोपाल। प्रभु को ढूंढते भूल गया वो, प्रभु को ढूंढते भूल गया वो, बुद्ध बुद्ध अपने प्राण की, पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की
समय जिस बंसी ने गोकुल को नाच नचाया, उसी बंसी ने रक्षक बनकर अपना भक्त बचाया। अकड़ तोड़ दी बंसी ने, अकड़ तोड़ दी बंसी ने लो लक्ष्मी के अभिमान की, पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की। कहानी डाकू और भगवान की, डाकू और भगवान की। फूटी जलधारा, धरती से फूटी जलधारा, लीला कृपा निधान की, पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की। कहानी डाकू और भगवान की, डाकू और भगवान की। ढूंढत ढूंढत अपने शाम को पहुँचा नाथ द्वारा, जहाँ बसे श्री नाथ रूप धर हरे कृष्ण का न्यारा। मूरत देख के प्यास बुझे ना, प्रगटो है श्रीना, गने लगा के जग को बता दो मैं हूँ नहीं अनाथ, मैं हूँ नहीं अनाथ, मैं हूँ नहीं अनाथ। कब तक यूं तड़पूंगा नाथ मेरा, सच कर दो ना सपना, लोग चढ़ावे भोग चढ़ाऊं शीश में तुझको अपना, प्रगटो है शीना। गोपाल कृष्णा हरे हरे कृष्ण, 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 गोपाल कृष्णा हरे हरे कृष्ण। देखे कब रक्षा करता है, देखे कब रक्षा करता है, प्रभु भक्त की आन की, पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की। कहानी डाकू और भगवान की। गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कौन हो तुम, यहाँ क्यों पड़े हुए हो? गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, गोपाल हरे हरे कृष्ण। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हरे हरे कृष्ण। धन्य हो देवी, धन्य हो, अनजाने में भी पति की सेवा कर रही हूँ। जो ऐसी सती का पति है वो क्या नहीं कर सकता। सती की शक्ति ने रघु को यहाँ तक पहुँचा दिया। नारायण नारायण। समझ गई,
मिटा दो सती की शक्ति। ना महादेवी, मुझे तो क्षमा करें, कहीं सती के सत के प्रभाव से मेरा तंबूरा टूट गया तो मैं तो गया। नारायण। महादेवी ये क्या? महादेवी चलो अब हमारा प्रताप देखो। नारायण। अरे ओ खिलौने वाली, सुनती हो? क्या खिलौने बेचती हो? जी हाँ, ये लीजिए लक्ष्मी देवी। क्या मूर्ति, बिल्कुल आप जैसी। क्या भक्ति हो? ये लीजिए विष्णु भगवान। विष्णु भगवान करें आपका कल्याण। कल्याण तो हो चुका। खिलौने वाली हमें कुछ नहीं चाहिए, जाकर उस रईस को दे दो जो सामने वाले मकान में ठहरे हुए हैं, वो तुम्हारी सारी मूर्तियाँ खरीद लेंगे। अच्छा हाँ। भगवान आप लोगों का कल्याण करे। लो धरती की देवी तो आशीर्वाद दे गई और स्वर्ग की देवी नारायण नारायण। सेठ जी लीजिए खिलौने, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर आई हूँ। सुना है आप मेरे सारे खिलौने खरीद लेंगे। खिलौने? जागीरदार जी आप यहाँ? जैसे तुम यहाँ। मैं तो जाओ नहीं, अब तक केवल सुराकास थी, अब सुंदरी भी आ गई। हाथ में हाथ में प्यार तो छोड़ना, सारा प्रसाद की आदत नहीं है। तेरे पति ने मेरा घर लूटा, मैं आज तेरी इज्जत लूट के Thank you.
जाने तू बच्चा है या शैतान है? मैं शैतान हूँ। अरे नहीं, मैं शैतान हूँ, मेरे बाप मैं शैतान हूँ। अब बोल, मैं कौन हूँ? तू मेरा बाप है, दादा है, परदादा है, नाना, मैं तेरे बाप बता मुझे। मुझे आप तो क्षमा कर दे बाबा। क्षमा मुझसे नहीं, क्षमा इस देवी से मांग। लो इस देवी से क्षमा मांगता हूँ। बोल, तू मेरी बहन है। तू मेरी बहन है। बहन नहीं, बहन। बहन है, बहन है। ऐसे नहीं, नाक रगड़ कर। नाक भी रगड़नी पड़ेगी। रगड़। लो भाई। इधर नहीं, इधर। ये नाक भी रगड़नी। अरे तू कांप क्यों रहा? तुझे देखकर कांपू नहीं तो क्या हंसू? और भी कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिल चुका। भागना चाहता है? हाँ, जाने दे रहे बाबा। आगे से? अरे इधर से नहीं, उस खिड़की से। अरे उस खिड़की से गिर के मर जाऊंगा पागल। अरे मेरी भाग जाओ, भाग जाओ। अरे अरे मर गया, अरे मर गया। अरे गंगा, अरे बेटा मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो पिताजी का हाथ है, ये कहाँ फंस गए? जय गोपाल, जय गोपाल। अरे बेटा गंगा बचाओ। पिताजी आप कहाँ हैं? अरे मैं ऊपर हूँ। ऊपर कहाँ? आसमान में। अरे चाचा जी क्या सीधे स्वर्ग में पहुँच गए? अरे स्वर्ग में नहीं, ऊपर घाट पर लटका हुआ। हे गिरधर गोपाल। है पिताजी, अब पैर पर उल्टा लटक कर क्या शीर्षासन कर रहे हो? अरे मुझे लगता है कोई नई तपस्या कर रहे हैं। अच्छा तो करो, करो तपस्या करो, हम चले। अरे बेटे कहाँ चला, मुझे नीचे तो उतार। नहीं पिताजी, तपस्या में विघ्न पहुँचाना महापाप है, मैं नहीं उतारता। अरे नहीं बेटे, दया कर, मैं मर जाऊंगा। अरे चाचा जी चिंता मत कीजिए, तपस्या में मरने वाले सीधे स्वर्ग में जाते। अरे स्वर्ग में जाए मेरे दुश्मन। तो क्या आप नरक में जाना चाहते हैं? अरे मैं नरक में नहीं जीना चाहता हूँ, जीना उतार बेटे। तो फिर आप पेड़ पर उल्टे क्यों लटक गए? अरे लटका कौन था, मुझे तो धक्का मार कर पेड़ पर फेंक दिया। फेंकने वाली औरत थी या मर्द? अरे मर्द न औरत, बच्चा था, बच्चा। बाप रे, तब तो बच्चा नहीं, बच्चे का भूत होगा। भूत? अरे जय गोपाल, अरे हाथ शर्मा थी। अरे भूत नहीं बेटे। पिताजी कहीं भूत ने हमको पकड़ लिया तो? अरे पिताजी तो गिर गए। पिताजी, पिताजी मर गए। पिताजी, पिताजी गिर गए। आपने जरूर कोई भयंकर पाप किया होगा तीरथ में आके ससुर जी। रूपा क्या ये तेरे ससुर जी है? नहीं मेरे ससुर नहीं, तो क्या तेरे ससुर जी हैं? और वो कन्हैया गिरधारी? तेरी तो अकल गई है मारी। अरे तू ही मेरा गोपाल, तू ही मेरा गिरधारी। अरे तू है मेरी बलहारी, अरे मैं हूँ परवारी। परानी ये अब तक क्या था? समझा नहीं? ये तो जगन्नाथ जी की यात्रा में जाने का एक बहाना था गोपाल। अब बात ही करोगी या कुछ कुछ पुरस्कार भी दोगी? पुरस्कार मेरे पास प्रभु के सिवा और है भी क्या? अरे जिसके पास प्रभु सहस्र कोटि युग दारिणे नमः। अखंड सौभाग्यवती भव।
चाहे ज्वाला इसे जला दे, हरी लगन्ना छूटेगी, गोपाल की याद न भूलेगी, भक्ति की डोर न टूटेगी, अग्नि उसे जलाए क्या, अग्नि उसे जलाए क्या, किस प्रीत लगी तेरे ध्यान की, पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की। गाचा पहुंच गया वो पंढरपुर के बाद, जहां सजे थे प्रभु विठोबा ईश्वर के अवतार। मूरत मंदिर मंदिर तेरी सूरत नजर न आए, ये भी थल तू मुझे दर्श बिन इतना क्यों तड़ पाए। कुछ तो बोलो, मैं पापी हूं तो आप एक दिन पापी पुण्य के पास भी तो गए थे। जब माता पिता की सेवा करते पुंडलीक ने प्रभु देखा, इस पर खड़े रहो प्रभु मेरे टुकड़ा ईंट का फेंका। लीक के प्रभु दर्शन के काज, तो मेरे पाप की क्षमा करो प्रभु दर्शन दे के आज। दर्शन दो विठल, दर्शन दो विठल, जय जय विठल रघुबर। के रूप में सदा रहने वाले मेरे गोपाल, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो मेरे गोपाल, गोपाल गोपाल। अनुपम भव्य मनोहर तीर्थ स्थान महान, जहाँ बसे थे जो मैं तिरुपति बालाजी भगवान। पत्थर की मूर्ति कुल की तो के प्रभु भक्त ने आगे किया प्रयाण, पर सांप को सहन सक गिर गया भक्त मूर्छित होकर, पक्ष रूप से प्रकट हुए प्रभु भक्त परीक्षा लेकर, प्रभु भक्त परीक्षा लेकर। धरती से फूटी जलधारा, धरती से फूटी जलधारा, लीला कृपा निधान की, पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की। और भगवान की दाकु और भगवान की, ढूंढत ढूंढत अपने शाम को पहुंचा नाथ द्वारा, जहां बसे श्री नाथ रूप धर हरे कृष्ण का न्यारा। मूरत देख के प्यास बुझे ना प्रगटो हे श्री कल। धरती से फूटी जलधारा,
धरती से फूटी जो धारा लीला कृपा निधान की पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की ढूंढत ढूंढत अपने शाम को पहुँचा नाथ द्वारा जहाँ बसे श्री नाथ रूप धर हरे कृष्ण का न्यारा मूरत देख के प्यास बुझे ना प्रगटो है श्री सेनापति इस बेशुद्ध कहार को किसी झोपड़े में भेज दीजिए और तुम दोनों जंगल से कोई आदमी ले आओ ले चलो ए चलो हमारे साथ चलो कहाँ जाना है भाई जगन्नाथ जी के महाराज की पालकी उठाने हमारा एक आदमी बेहोश हो गया है चलो भाई चलो हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे अरे तो पुत पुत्र क्यों चल रहा है मैं अपना धर्म निभाने के लिए ऐसे चल रहा हूँ कैसा धर्म मानवता का जिसे आप लोग कभी नहीं समझ सकते हरे कृष्ण 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 मुसलमान का अपमान कर जानता हूँ अंदर कौन है पुरी के महाराज महाराज की सेवा करना तुम्हारा धर्म नहीं अवश्य है किंतु संसार के सब जीवों में परमात्मा कौन राजा कौन सेवक ये केवल दृष्टि भेद है मुझ में और महाराज में कोई अंतर नहीं बस सीधे तरह चल मैं तो मार खाएगा भले मारो किंतु मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सेनापति पाल के नीचे उतारो महाराज मैं जानबूझकर आपको कष्ट देने के लिए ऐसे नहीं चल रहा था भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी के मंदिर में ही नहीं हर जगह है हमें है संसार के सब जीवों में है महाराज कहीं राहों में पड़े हुए कीड़े पैर के नीचे कुचल न जाए इसलिए मैं बच बच कर चल रहा था महाराज मुझे क्षमा कर दो महाराज मेरी क्षमा कर दो ये आप क्या कर रहे हैं महात्मा क्षमा तो हमें करो मुझे क्षमा कर दो महाराज मेरी क्षमा कर दो ये आप क्या कर रहे हैं महात्मा क्षमा तो हमें करो जो हमने आप जैसे महापुरुष से पालकी उठवाई आप पर प्रहार किया आपको दुख दिया भगवान जगन्नाथ जी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे कभी क्षमा नहीं करेंगे नहीं नहीं महाराज ये आप क्या कह रहे हैं आप तो केवल निमित्त हैं जो भी हुआ हरी इच्छा से आप सचमुच परम हम संत महात्मा हैं हम महामुनि से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे किंतु आपने जो ज्ञान का प्रकाश दिखाया उसे हम कभी नहीं भूल सकते आज से आप हमारे पूज्य हैं हरे कृष्ण ये आप क्या कर रहे हैं मैं इस योग्य नहीं हूँ महाराज आप कितने महान हैं हमारे हृदय से पूछिए हमारा समस्त धन वैभव आपके चरणों में सेवा करने का अवसर देकर हमें धन्य कीजिए नहीं महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना मेरी कहीं भी जाने की अभिलाषा नहीं है मेरी कोई इच्छा नहीं है महाराज मेरे प्रभु कहाँ हो तुम मृत्यु से पहले मुझे एक
चाहे ज्वाला इसे जला दे, हरी लगन्ना छूटेगी, गोपाल की याद न भूलेगी, भक्ति की डोर न टूटेगी, अग्नि उसे जलाए क्या, अग्नि उसे जलाए क्या, किस प्रीत लगी तेरे ध्यान की, पाप पुण्य के बीच भटकते हुए एक इंसान की। गाता पहुंच गया वो पंढरपुर के द्वार, जहां सजे थे प्रभु विठोबा ईश्वर के अवतार। मूरत मंदिर मंदिर तेरी सूरत नजर न आए, ये भी थल तू मुझे दर्श बिन इतना क्यों तड़ पाए। कुछ तो बोलो, मैं पापी हूं तो आप एक दिन पापी पुंडलिक के पास भी तो गए थे। जब मात पिता की सेवा करते पुंडलिक ने प्रभु देखा, उस पर खड़े रहो प्रभु मेरे टुकड़ा ईंट का फेंका। गए पुंडलीक के प्रभु दर्शन के काज, तो मेरे पाप की क्षमा करो प्रभु दर्शन दे के आज। दर्शन दो विठल, दर्शन दो विठल, जय जय विठल रघुबर। के रूप में सदा रहने वाले मेरे गोपाल, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो मेरे गोपाल, गोपाल अनुपम भव्य मनोहर तीर्थ स्थान महान, जहाँ बसे थे जो मैं तिरुपति बालाजी भगवान। पत्थर की मूर्ति से मुझको छलो नहीं भगवान, सुंदर सूरत दिखला कर दो दर्शन का वरदान। बालाजी, आपने तो अनेक रूप में भक्तों को दर्शन दिए हैं, एक दिन जब आपका भक्त बीमार था। बीमार भक्त जब बालाजी को दूध चढ़ाने गया नहीं, बाल रूप धर बालाजी, पहुंचे थे भक्त घर स्वयं वहीं, स्वयं गाय का दूध पी रहे थे जब सर्जनहार, चोर समझ कर क्रोध भक्त ने प्रभु पर किया प्रहार। कहकर मार प्रहार भक्त की भक्ति तुमको भाई, दर्श दिखा के उस पर भी तुमने करुणा बरसाई। मैं पापी तुम क्षमा मूर्ति हो, राखो मेरी आन, दर्शन बिन छोड़ू ना तुमको जब तक तन में प्राण। दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, गोपाल
जले हुए अंग ठीक हो गए। प्रभु प्रभु मैं समझ गया हूँ, ये सब आप ही की कृपा है, किंतु इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। प्रभु जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, मेरी आत्मा को चैन नहीं। आपको ढूंढते ढूंढते चाहे मेरे प्राण चले जाए, पर मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं ढूंढ कर रहूंगा प्रभु, ढूंढ कर रहूंगा। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि। वाह प्रभु, आप यहाँ आनंद में लीन हैं। मेरी आस प्रभु कर पूरी, मेरी आस।
जानता हूँ कौन ले गया। कौन ले गया? डाकू रघु। डाकू रघु हम रूप में सबको धोखा देता है, ये उसी का काम है। चलो उठे तलाश। लोग मुझे मार डालेंगे। कौन लोग? उसका तुमने क्या बिगाड़ा? मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैंने जगन्नाथ जी के मंदिर से फल उठा लिया, बस वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊँ? मुझे भी छुपा लो, अपने हृदय में छुपा लो। परंतु मैं जगन्नाथ जी की खाता मैं बालक को यहाँ ढूंढ रही है और भक्त वस्तल भगवान वहाँ भक्त के हृदय में समा गए। किस भक्त के हृदय में? वही डाकू भक्त जिसने उन्हें लूट लिया था। नहीं नहीं, यह असंभव है। विश्वास नहीं होता, चल कर देख लीजिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये बालक कहाँ चला गया? ये क्या, ये कैसा चमत्कार? ये गहने या कैसे? मैंने मूर्ति नहीं चुराई। तुमने मूर्ति नहीं चुराई तो ये गहने क्या आसमान से गिर पड़े? ये तो प्रभु जाने। अरे प्रभु क्या जानेगा, महाराज यही है मूर्ति का। ये गंबक लातों का भूत बातों से नहीं। देखा महादेवी, अपराध भगवान ने किया और दंड भक्त को। किंतु चोट तो प्रभु को ही लग रही होगी। अवश्य लग रही होगी। नारायण 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 नारायण, यदि भक्त को इस तरह मार पड़ती रही तो भगवान का क्या होगा, आपका क्या होगा? मेरी चिंता छोड़िए, आप जाके उन्हें रोकिए ना। ना महादेवी ना, रोकने गया और दो चार डंडे मुझ पर पड़ गए तो मेरी तो गति हो जाएगी। नारायण नारायण नहीं मानेगा ठाकुर, इसे पकड़ कर ले चलिए महाराज के पास। भगवान, इन लोग किसे मारते हुए ले जा रहे हैं? और किसे? डाकू को। डाकू रघु? हाँ। जगन्नाथ महाराज, यही है वो दुष्ट दुराचारी जिसने भगवान जगन्नाथ है। अपराधी, ऐसा दुस्साहस तुमने कैसे किया? उत्तर दो अपराधी। क्षमा कीजिए महाराज, ये मुझ पर झूठा कलंक लगाया गया है। मैंने अपने प्रभु की मूर्ति नहीं चुराई महाराज। भक्तराज, संत शिरोमणि, बंदी के रूप में आप हमारे दरबार में। महाराज महाराज, नहीं नहीं, ये चोर नहीं। प्रजाजनों, आपको धोखा हुआ है, ये सिद्ध पुरुष महात्मा है, ऐसा नीच काम नहीं कर सकते। महाराज, नीच लोग साधु संतों का चोला पहनकर ही ऐसा नीच काम करते हैं। हाँ महाराज, देखिए, ये देखिए, चोरी का सबसे बड़ा प्रमाण भगवान के ये आभूषण किसके पास से मिले। आभूषणों का मिल जाना कोई रहस्य होगा। जिस महापुरुष ने हमारे अनमोल वैभव को ठुकरा दिया है, उसे इन आभूषणों से क्या वास्ता? जय जगन्नाथ महाराज,
इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। इससे पूछिए कि इसे ये आभूषण कब, कहां और कैसे मिले। मैं बताता हूं महाराज, मैं जब जगन्नाथ जी के दर्शन को जा रहा था, मंदिर की दिशा में से एक सुंदर सा बालक चिल्लाता हुआ मेरे सामने आया, पुकारने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचा लो, मुझे अपने हृदय में छुपा लो, तुम्हें जगन्नाथ जी की सौंध है। तो फिर आपने क्या किया? महाराज, मैं उस बालक की सलोनी सूरत में खो गया, हृदय में भावना का एक तूफान उठा, मैंने अपनी छाती चीर डाली और मैं बेसुध हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो देखा ना मेरी छाती में घाव था, ना वो बालक था, केवल ये आभूषण वहां पड़े हुए थे। भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? नहीं महाराज, नहीं, ये भगवान की लीला नहीं, ये इस पाखंडी का पाखंड है। सच है महाराज, ये चोरी छुपाने के लिए मन घृणित कहानी सुना रहा है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये पाखंडी सिर्फ चोरी नहीं, एक भयानक डाकू भी है महाराज, इसने अनगिनत हत्याएं की है। ये प्रसिद्ध डाकू रघु है। आप डाकू रघु हैं? हाँ महाराज, मैं वही हत्यारा डाकू रघु हूँ, किंतु ये चोरी मैंने नहीं की महाराज, मैंने नहीं की, मैं उस कलंकित दुनिया को छोड़ चुका हूँ, अब तो मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान की दुहाई दे, तू अपने आप को बचा नहीं सकता, इसे प्राण दंड देना चाहिए महाराज। प्राण दंड? हाँ नंदाता, पापी को उसके पाप का दंड मिलना ही चाहिए। सच है महाराज, जनता की आवाज न्याय की आवाज है, मुझे प्राण दंड देकर न्याय की रक्षा कीजिए महाराज। ये न्याय की रक्षा नहीं, न्याय का गला घोटना है। आप जैसे महान संत को प्राण दंड देना हमारे लिए महापाप होगा महाराज। मंत्रीवर, भले एक समय डाकू रहे, लेकिन जो आज दिन रात प्रभु की खोज में भटक रहे हैं, जो प्रभु मैं हो गए, ऐसे महासंत को केवल आभूषण मिलने पर प्राण दंड देना पूरी के महाराज के माथे पर कलंक होगा। इससे बड़ा कलंक होगा प्रजा की आवाज को दबा देना। मंत्रीवर, महाराज भावना से बड़ा कर्तव्य है, मन को दृढ़ करके प्रजा की इच्छा पूरी कीजिए। हाँ महाराज, ये पापी है, अपराधी है, इसे दंड मिलना ही चाहिए महाराज। हरे कृष्ण। जैसी प्रजा की इच्छा, तो होने दो प्रजा के प्रेम यज्ञ में एक निर्दोष की आहुति। भगवान, प्रजा के कारण जैसे आपको श्री राम रूप में भगवती सीता को दंड देना पड़ा था, उसी तरह आज प्रजा के कारण हमें भी एक निर्दोष संत को दंड देना पड़ रहा है। क्षमा करो प्रभु। मंत्रीवर, सारे नगर में जगन्नाथ जी की मूर्ति की खोज की जाए, मूर्ति न मिली तो अपराधी को जीवित दीवार में चुनवा दिया जाए। नहीं, 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 नहीं महाराज, नहीं। महाराज, अपनी ये कठोर आज्ञा वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। ये न्याय नहीं अन्याय है, मेरे स्वामी निर्दोष है, उन्हें छोड़ दीजिए महाराज, उन्हें छोड़ दीजिए। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। स्वामी, शीला, मृत्यु के बाद अपने प्रभु से मेरा मिलन होगा और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। और आपकी ना अपना सुहाग खोकर वैद्य में कब बोझ सर पर लिए धरती पर भटकती रहेगी। नहीं स्वामी, नहीं, नहीं महाराज, नहीं, नहीं महाराज, मंत्रीवर, मैं आप लोगों के आगे झोली फैला कर उनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। शीला, तुम किसके लिए भिक्षा मांग रही हो? इस नाशवंत शरीर के लिए जो मिट्टी के सिवा और कुछ भी नहीं? अपने मोह को त्याग दो शीला, तुम तो महान हो, जीवन भर प्रभु भक्ति का जो दीप जलाती रही हो उसे जलते रहने दो। स्वामी, अमर मिलन के लिए मेरे प्रभु मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मुझे जाने दो, मुझे हंसते हंसते विदा दो। नाथ, नाथों के नाथ,
केवल भगवान जगन्नाथ है, उन्हीं से लौ लगा लो शीला। शरीर मिट जाता है किंतु आत्मा कभी नहीं मिटती। तुम्हारा स्वाहा अमर है और सदा अमर रहेगा। गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, 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 गोपाल कृष्ण हरे हरे। भक्ति कभी खंड खंड नहीं होता। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं? ना, मैं नहीं माता, धर सतियों का सतीत्व आपको चुनौती दे रहा। अनसुया, नर्मदा, सावित्री ऐसी कितनी सतियों ने कितनी बार देवी देवताओं का नारायण, कहीं इस बार आपको भी? कभी नहीं मुनिवर, वो सतयुग का एक कलयुग है और कलयुग की एक साधारण नारी मेरा सामना नहीं कर सकती। नारायण नारायण।
नाथ जी के भक्त